सम्मान श्रद्धा के योग्य हमारे मध्य में उपस्थित हुए आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान जो एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान जो सभी को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं, त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज, बड़े ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य आदरणीय पूज्य स्वामी रामवीर जी महाराज, जिनका बड़ा ही सुंदर उद्बोधन आप लोगों ने ऋषि वरदानंद के विषय में सुना, और इस संस्था को संस्थापित करने वाले और संचालित करने वाले पूज्य स्वामी जी महाराज, में नाम भूल गई, हरिदत्त जी, बड़े ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य जिन्होंने अपना जीवन समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर रखा है, जो बेटियों को बचाने के लिए लगी हुई है, लोगों को समझाने में स्कूलों में जाकर के जागृत करती हैं, हम सभी की प्रेरणा स्रोत आदरणीय बहन प्रवेश आर्या जी, पूनम आर्या जी, और इस समाज को जिन्होंने समाज के प्रति अपना जीवन समर्पित किया हुआ है, आदरणीय भ्राता श्रद्धेय ब्रह्मचारी दीक्षेंद्र जी आर्य, दूरदराज के आर्य समाजों से आए हुए समस्त पदाधिकारी जन, यहाँ पर उपस्थित समस्त धर्म के अभिलाषी सज्जनों, पूजा एवं वंदना के योग्य मातृशक्ति गुरुकुल के पवित्र ब्रह्मचारी गण, आइए, बड़ा ही सीमित सा समय है और सीमित से ही विचार में आप लोगों के मध्य में रखूंगी, आप सब ध्यान से सुनेंगे। जब गुरुकुल का नाम आता है तो हम लोगों के सामने एक नाम आ जाता है, गुरुकुल कांगड़ी को स्थापित करने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी का, और जब आप उसका इतिहास पढ़ेंगे, उनके बेटे थे इंद्र विद्यावाचस्पति जो उनके बड़े बेटे थे, उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी के लिए एक पुस्तक लिखी है, मेरे पिता, एक पुस्तक तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्वयं लिखी है अपनी जीवनी, कल्याण मार्ग का पथिक, एक पुस्तक उनके पुत्र इंद्र विद्यावाचस्पति जी ने लिखी है, मेरे पिता, आप उस पुस्तक को पढ़ना। उस पुस्तक के अंदर वहां पर इंद्र विद्यावाचस्पति जी लिखते हैं कि जब गुरुकुल कांगड़ी बनाने की बात चली और जब चंदा इकट्ठा करने की बात चली, चंदा चाहिए किसी भी गुरुकुल को स्थापित करने के लिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए, कहा कि स्वामी श्रद्धानंद जी दिल्ली के अंदर गए थे दान लेने के लिए, लेकिन वो सेठ निकल कर के नहीं आया। वहां पर स्वामी श्रद्धानंद जी के मन में इतनी गलानी पैदा हुई कि ऐसा क्या कमी रह गई है कि जो व्यक्ति घर के अंदर है और नौकर को कहलवा दिया है कि मैं घर में नहीं हूं, वहां पर स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं कहीं ना कहीं मेरे कार्य में कमी है, कहीं ना कहीं मेरे समर्पण में कमी है। तो वहां पर स्वामी श्रद्धानंद जी सोचते हैं कि मैं दूसरों से दान लेने के लिए चला हूं, क्या मैंने अपना सब कुछ दान दे दिया है, क्या मैंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपना सब कुछ आर्य समाज और गुरुकुल कांगड़ी को दे दिया था, केवल एक जालंधर के अंदर उनकी कोठी थी जो उन्होंने अपने दोनों बेटों के लिए बचा के रखी कि इस कोठी के सहारे मेरे बेटे पढ़ेंगे। लेकिन वहां पर स्वामी श्रद्धानंद जी वो कोठी के कागज मंगवाते हैं और अपने इंद्र विद्यावाचस्पति और हरिश्चंद्र से कहते हैं कि इस पर सिग्नेचर कर दो, इस पर साइन कर दो, क्योंकि मैं ये जालंधर वाली कोठी भी गुरुकुल कांगड़ी को देने के लिए जा रहा हूं। वहां पर दोनों बेटों ने बिना कुछ अपने पिता से कहे वो अपनी संपत्ति पर हस्ताक्षर कर दिए थे, अपने पिता को सौंप दी थी। गुरुकुल कांगड़ी का उत्सव होना था, सब लोग सोच रहे थे कि आज स्वामी श्रद्धानंद जी क्या बोलेंगे, सब लोग बैठे हुए वहां पर। इंद्र विद्यावाचस्पति जी लिखते हैं जब गुरुकुल कांगड़ी का उत्सव होता था,
एक एक लाख लोगों की भीड़ होती थी, पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी, इतने लोग वेद प्रचार सुनने के लिए आते थे। जब स्वामी श्रद्धानंद जी ने बोलना शुरू किया और जब ये कहा कि मैं अपनी जालंधर वाली कोठी भी गुरुकुल कांगड़ी को सौंपता हूं, तो वहां पर लोगों के हाथों से तालियां नहीं बजी, लोगों के आंखों से आंसू बह रहे थे कि कितना समर्पित व्यक्ति है, गुरुकुल के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। इतना महत्व एक गुरुकुल का होता है, इतना महत्व है। आज हम समझते नहीं हैं कि गुरुकुल का महत्व क्या है। गुरुकुल के ब्रह्मचारी भिक्षा लेने के लिए जाते थे, किसी को 2 रुपए भिक्षा मिली, किसी को 3 रुपए भिक्षा मिली, एक ब्रह्मचारी को 1900 रुपए की भिक्षा मिली। स्वामी श्रद्धानंद जी से आकर के कहा कि स्वामी जी मुझे 1900 रुपए दिए। स्वामी जी ने पूछा इतने रुपए तुझे किसने दिए, इतने रुपए तुझे किसने दिए, तो उस ब्रह्मचारी ने एक माता जी की तरफ इशारा किया। स्वामी जी उसके पास में गए और स्वामी जी से पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा मैं पंडित लेखराम की पत्नी हूँ, मैंने बचा बचा के ये पैसे इकट्ठे किए हैं। स्वामी जी ने कहा हमें नहीं चाहिए ये पैसे, आप अपने जीवन में इसका उपयोग करना। तो वहां पर उनकी पत्नी कहती है, पंडित लेखराम जी की पत्नी, मेरे पति धर्म की रक्षा के लिए चले गए, बलिदान हो गए, मैं उनकी पत्नी हूं, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं कुछ समाज और राष्ट्र के लिए करूं। उन 1900 रुपए से गुरुकुल का ब्रह्मचारी पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार पढ़े और वही पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार आगे चल करके स्वामी समर्पणानंद जी बने, जिन्होंने गीता का भाष्य भी किया। एक गुरुकुल को दान देने का इतना महत्व होता है, इतना महत्व होता है। आज हम दान देना ही भूल गए, हम पात्र और कुपात्र को ही भूल गए। लिखते ऋषिवर दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, कुपात्र को दान देने से दान देने वाले का नाश पहले होता है और लेने वाले का बाद में होता है। कुपात्र व्यक्ति का वाणी मात्र से भी सम्मान नहीं करना चाहिए, वाणी मात्र से भी सम्मान नहीं करना चाहिए। जब ये गुरुकुलों के अंदर से ब्रह्मचारी निकलते हैं तो यही समाज और राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार होते, वो कॉन्वेंट स्कूलों वाले नहीं आते। इतिहास पढ़ करके देखेंगे तो पता लगेगा आज की युवा पीढ़ी कैसे भ्रमित हो रही है, कैसे वो ड्रग्स के अंदर लिप्त होती जा रही है। लिखा था कभी प्रकाश जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां, हमसे न खाने की न पीने की बात करें, वीरों की तरह दुनिया में जीने की बात करें, हमसे न खाने की न पीने की बात करें, वीरों की तरह दुनिया में जीने की बात करें, हमसे न खाने की न पीने की बात करें। जिस मातृभूमि की अरेत गोद में पला, जिसकी पवित्र भूमि का कण कण है देवता, जिस मातृभूमि की अरेत गोद में पला, जिसकी पवित्र भूमि का कण कण है देवता, उसके फटे आंचल को, उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर, वीरों की तरह दुनिया में जीने की बात कर, हमसे न खाने की न पीने की बात कर, वीरों की तरह दुनिया में जीने की बात कर, हमसे न खाने की न पीने की। दुख
पागलों की तरह दुनिया में जीने की बात करें, हमसे ना खाने की ना पीने की बात करें, हीरों की तरह बलिवेदी पे सर जो अपना चढ़ा गए, कर्तव्य का जो पाठ सभी को पढ़ा गए, उन वीर शहीदों के कलेजे को याद करें। टिटोली से हमारे मध्य में आए हैं, टिटोली में भी 12 तारीख को प्रोग्राम था, कह रहे हैं मैंने वहां भी आपका उत्साहवर्धन किया था, यहाँ भी कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से सभी का धन्यवाद करती हूँ जो ये राशि देकर के मुझे गए हैं। उन वीर शहीदों के कलेजे को याद कर धन्यवाद राशि देकर के मेरा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। मैं सभी आर्यजनों का अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। बलिवेदी पर सर अपना जो चढ़ा गए, उन वीर शहीदों के कलेजे को याद कर। आज उन वीर शहीदों को केवल तब याद किया जाता है जब स्कूल और कॉलेज की छुट्टी हो जाती है, तब पता चलता है कि आज की छुट्टी है, आज किसी का जन्मदिवस है, तब उन वीर शहीदों को याद किया जाता है। याद करना वो 12 साल का हकीकत जब ये कहता होगा कि भले ही मेरी गर्दन उतार दो, मैं अपनी जनेऊ और चोटी नहीं दूंगा, उनका कलेजा कितना बड़ा रहा होगा। आदरणीय ओम प्रकाश मलिक जी और ईश्वर शास्त्री जी 100-100 रुपए देकर के मेरा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। मैं सभी का अपनी तरफ से धन्यवाद करती हूँ। यदि लोग ऋषिवर दयानंद को समझ लेते, यदि लोग ऋषिवर दयानंद की विचारधारा को मान लेते, जो आज दुर्गति समाज की है वो दुर्गति समाज की होती नहीं। और लोग ऋषिवर दयानंद के कितने विरोधी थे, अपने स्वार्थ में आकर के उन्होंने राष्ट्र और समाज को पीछे छोड़ दिया, इसका उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूंगी। कश्मीर की आज ये स्थिति ना होती यदि उस समय ऋषिवर दयानंद को समझ लेते, यदि ऋषिवर दयानंद को मान लेते। कश्मीर का जब राजा था, वहां पर उसने ऋषिवर दयानंद को बुलाना चाहा, लेकिन कश्मीर के पंडित पुजारियों ने ये घोषणा कर दी कि यदि ऋषिवर दयानंद यहाँ पर आएंगे तो जितने भी मंदिर कश्मीर के अंदर है सबको गिरा दिया जाएगा। सारे के सारे जब मंदिर गिरा दिए जाएंगे तब ऋषिवर दयानंद आ सकते हैं, दयानंद आ नहीं सकता कश्मीर के अंदर। वहां पर ऋषि दयानंद को नहीं जाने दिया गया। ये बात ईसाइयों तक पहुंची, ईसाइयों ने सोचा बड़ा ही अच्छा समय है, क्यों ना वहां पर लोगों को ईसाई बनाया जाए। जो काम अभी भी चल रहा है वो रुका नहीं है, अभी भी धर्म परिवर्तन हो रहे, जिसका परिणाम ये है कि आज मुसलमानों के 56 देश और ईसाइयों के 100 देश हैं, और जो भारत पूरा भी नहीं रहा भारत का, उस पर भी लोगों ने कब्जा कर रहा और अभी भी आ रहे हैं। यदि अभी भी हिंदू नहीं संभला तो ये देश बच नहीं पाएगा। तो वहां पर लोगों ने ये कहा, ये दयानंद तभी आ सकता है जब सारे मंदिर गिरा दिए जाए, तब ऋषिवर दयानंद नहीं आए। ईसाई वहां पर आए कश्मीर के अंदर, वहां के राजा से कहा, मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ तुम्हारे पंडितों से, यदि तुम चाहो
अगर तुम शास्त्रार्थ में हार गए तो पूरा कश्मीर ईसाई बनेगा। वहां के राजा ने ये बात स्वीकार कर ली, शास्त्रार्थ हुआ, वहां के पंडित ईसाई पादरियों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। उस सभा के अंदर आर्य समाज के विद्वान पंडित गणपति शर्मा जी बैठे थे। वहां पर पंडित गणपति शर्मा जी ने कहा राजा जी से, यदि आप चाहे तो मैं शास्त्रार्थ करूं पंडितों की जगह, मैं शास्त्रार्थ कर सकता हूं। वहां पर राजा ने अनुमति दी पंडित गणपति शर्मा को शास्त्रार्थ के लिए, और वहां पर पंडित गणपति शर्मा ने ईसाई पादरियों के प्रश्नों के उत्तर दिए और बदले में प्रश्न भी किए। वो ईसाई पादरी वहां से भागते हुए दिखाई दिए। ऋषि दयानंद के शिष्य गणपति शर्मा की वजह से उस दिन कश्मीर ईसाई होने से बचा, ईसाई होने से बचा। यदि उस दिन ऋषि दयानंद कश्मीर के अंदर पहुंच जाते तो आज जो ये जूता कश्मीर के ऊपर बज रहा है ये स्थिति नहीं होती। लेकिन लोगों ने ऋषि दयानंद को समझा नहीं, आज निर्दोषों को सताया जा रहा है, बलवान व्यक्ति निर्बलों पर अत्याचार कर रहा है, पैसे वाला व्यक्ति अपनी पावर दिखा रहा है, न्याय के स्थान पर न्याय नहीं मिल पाता। इसलिए किसी कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा था, बस कुछ ही समय फिर वाणी को विराम। जहां निर्दोष सताए जा फिर बलवानों का क्या होगा, दान नहीं दे राष्ट्र के हित में धनवानों का क्या होगा। उन डेरों पर जाकर के तो वो पैसा दिया जा सकता, अपनी सारी संपत्ति दे दी उन गुरुओं को जाकर के, जिसका परिणाम उस हनी परित ने 125,000 करोड़ रुपए राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने के लिए बांटे थे। कम नहीं होते, सोच करके देखो कितनी राशि होती है। बड़े बड़े आलिशान महल बना करके बैठे लोगों को कहते हैं बिल्कुल भी धन के मोह माया में मत फंसो, सब मोह माया है, कुछ साथ नहीं जाना। और 700-700 एकड़ में महल बना करके बैठे हैं, पता नहीं कहाँ की सुरंग कहाँ जा रही है। और कहते हैं बहन बेटियों का सम्मान करो, नारी के बिना समाज नहीं चलता, उनका सम्मान करो। और बलात्कार के केस में जेल के अंदर बैठे हैं, 5-5 लाख रुपए एक एक कथा करने के लेते हैं, लोगों को भरमाया जा रहा है लेकिन जनता समझ नहीं रही है। लेकिन धीरे धीरे सबकी पोल पट्टी आ रही है, शायद लोग आर्य समाज को समझें, शायद लोग ऋषि दयानंद की विचारधारा को समझने की कोशिश करें। लिखा था कवि ने, जहां निर्दोष सताए जा फिर बलवानों का क्या होगा, दान नहीं दे राष्ट्र के हित में धनवानों का क्या होगा, दान नहीं दे राष्ट्र के हित में धनवानों का क्या होगा, दान नहीं दे। Thank you.
सभी का धन्यवाद। और मैं अंत में धन्यवाद करना चाहती हूँ आदरणीय भैया यशवीर आर्य जी का, जिनके माध्यम से आप लोगों के सामने आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और कुछ विचार मैंने आप लोगों के मध्य में रखे। मैं अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से सभी का धन्यवाद करती हूँ। यदि ओम शांति।